तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल मैप से फोटो को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप को खोल दिया है, और खोलने के बाद अब यहाँ पे आप जिस भी स्टेट को, जिस भी सिटी को, या फिर जो भी यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदयपुर सिटी है वो यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसके फ़ोटो चाहिए। तो यहाँ पे आप इसकी जगह मंदिर है या जो भी आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं उस रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी फ़ोटो है वो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लगता है कि कोई फ़ोटो ऐसा है जो कि आपको पसंद है, जिसको आप कहीं रखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको उस फोटो पर क्लिक करना है। जब आप इस फोटो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी मनपसंद फोटो है उसको आप यदि लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप इसको इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता जिससे कि आप इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, केवल आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इसको क्रॉप करके जहां भी यूज करना चाहते हैं वहां पर आप इसको क्रॉप करके यूज कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।